नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय हिती मिश्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? नहीं बता सकते तो चलिए आज हम बताते हैं आपको बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी, और इसकी हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, मतलब इसके छिलकों का और इसके अंदर की जो बनाना है उसका। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे कच्चे केले की बहुत ही दो अच्छी सी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए एक आप यहाँ पे कच्चे केले जो लेंगे वो बहुत ही बढ़िया वाले होने चाहिए, जिनके छिलके जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हरे वाले कच्चे केले ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो बड़े नहीं हैं तो मीडियम साइज़ के हम केले लेंगे। तो कच्चे केले जब आप लें तो ऊपर की परत देख लीजिए कि अगर चिकनी टाइप की है, खुरदरी नहीं है, तो ये केले बहुत ही अच्छे हैं। तो इनको अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसके छिलके को छील लीजिए। तो यहाँ पे हम इसके छिलके को छील ले रहे हैं। तो आज हम इन छिलकों को वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम इन छिलकों का यूज़ करेंगे। तो आपने अभी तक की केले खाए होंगे, केले की सब्जी खाई होगी, केले के आपने कोफ्ते खाए होंगे और केले की आपने पकौड़ियाँ खाई होंगी, पर क्या आपने केले के छिलके की कोई रेसिपी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आज इस वीडियो को देखिए और मैं केले के छिलके से बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, और इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको 100% मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने केले को अच्छे से छील लिया है, और केले काले ना पड़े तो इसके लिए हम इसे पानी में भिगोकर रख देंगे। तो पानी में भिगोकर रखने से पहले आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, इससे ऐसा करने से ये होता है जो केले हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। तो नमक डालकर अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए, नमक घुल जाए फिर उसको आप केले को पानी में डिप कर दीजिए। तो इसे आप केले क्या कहते हैं, अगर थोड़ा रुक के भी बनाएंगे तो केले जो हैं वो काले बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरीके से बाकी केलों को हम छील लेंगे और फिर हम इनकी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे केलों को हमने अच्छे से क्या किया है, छील लिया है। तो देख सकते हैं केले कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े से जो हल्के से छिलके खुरदरे वाले होते हैं तो उनके केले बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे छिलके मैंने छील लिए, केला अलग कर दिया है। तो छिलकों को हम इस तरीके से एक साथ करके और बहुत महीन महीन हमें इसे कट करना है, पतला पतला। देखिए छिलका अच्छा है तभी ये इजली अच्छे से कट जाता है। तो हमें ऐसे ही छिलका लेना है, केला लेना है दे के, ताकि छिलके इजली कट जाएं। तो यहाँ पे हमने छिलकों को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे करीब हमारे पास 4 केले हैं, तो करीब ये होंगे 250 ग्राम केले हैं। तो इन केलों का हम बनाएंगे बढ़िया सा। तो यहाँ पे आप छिलकों को इसी तरीके से कट करके, हमें केले के छिलकों को पकाना नहीं है, हम इसी कच्चे छिलकों से हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये छिलके जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कट हो गए, और जब कट हो जाए तो उसके बाद एक बार बढ़िया से इसे 1 से 2 बार वॉश कर लीजिए और सारा पानी निचोड़ लीजिए। फिर इसको आप एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करिए। फिर यहाँ पे हम डालेंगे बेसन। तो बेसन ले रहे हैं करीब 2 टेबल स्पून हमें बेसन लेना है। साथ में हमें लेना है यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे चावल का आटा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च करीब 1/3 टेबल स्पून। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, हींग, तो हल्दी यहाँ पे ले रहे करीब 1/3 टेबल स्पून। साथ में 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/3 टेबल स्पून अजवाइन। साथ में हम लेंगे 1/4 टेबल स्पून हम चाट मसाला। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप 5 मिनट के लिए रख दीजिए, ताकि ये हल्का सा पानी जो छोड़ेगा उसी में इसमें इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी छिलकों पर, जो भी हमने मसाला मिलाया है। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट जैसे ही होंगे फिर इसको हम पकाएंगे। क्यों भाई, कच्चा थोड़ी ही खाना है, तो पकाना तो पड़ेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम कढ़ाई पैन लेंगे, उसमें करीब लेंगे 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1/2 टेबल स्पून हम जीरा डालेंगे, जीरा अच्छे से भुन जाएगा
तब इसमें हम छिलकों को जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे उनको हम ऐड करेंगे। और इसको हमें क्या कहते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तेल में इसे अच्छे से पकाना है। तो ध्यान रहे, इसे पकाने के लिए आपको मीडियम आंच पे बिल्कुल आपको इसे पकाना है, ताकि छिलके जले भी ना और अच्छे से पक जाए। तो ये बहुत ही ईजिली से पक जाएंगे अगर छिलके अच्छे हैं। तो तेल को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसे हम करीब 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए, ये काफ़ी अच्छे से कलर भी जाएगा और साथ में ये पक भी जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से कलर गया है, और इसे आप तब तक कलार सकते हैं जब तक ये कुरकुरा टाइप का ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन की कोटिंग ना हो जाए इसमें। तो इसे आप लोग चाय के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चाहे ऐसे ही खाइए। ये केले की छिलके की रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज से जब भी आप कच्चे केले खरीदें तो सिर्फ आप केला ना खाइए, उसके ऊपर का छिलका भी यूज़ कीजिए। फिर बताइए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ऊपर से थोड़ा सा खट्टा चाहते हैं तो इसमें आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करीब 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाला है, नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं, और ये केले के छिलके की रेसिपी तैयार है। बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। केले के छिलके की रेसिपी आपने देख ही ली होगी, अब यहाँ हम केले का यूज़ करेंगे। तो केले के हम बनाएंगे चिप्स, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो इसको बनाने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे एक चीज़ जिससे केले के चिप्स कुरकुरे बने रहें। तो यहाँ पे लेंगे करीब 1/2 बाउल पानी, साथ में उसमें डालेंगे 1/2-4 टेबल स्पून नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गर्म तेल में हम क्या कहते हैं चिप्स को कट करेंगे। तो चिप्स वाली मशीन को आपको इसी के ऊपर रखना है, और ध्यान रहे कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा तेल गर्म रहता है, कढ़ाई भी गर्म रहती है तो आपका हाथ ना जले, इस तरीके से आपको चिप्स को इसी पे कट करना है। और चिप्स को कट करने के बाद इसमें हमने जो पानी नमक वाला बनाया था उसको बीच बीच में डालना है, करीब 1 टेबल स्पून आप डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसे आप दूसरी तरफ तब पलटिए जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरीके से कुरकुरे टाइप के आपको दिखने लगे। फिर इसे आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चिप्स जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। फिर इसमें आप ऊपर से चाट मसाला, काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, और इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रखिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये कुरकुरे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे हमने केले से 2 रेसिपी बनाई, आपका छिलके का भी यूज़ कर दिया साथ में केले का भी यूज़ कर दिया। तो इन 2 रेसिपी को आप लोग अगली बार से जब भी केले लाइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Watching.